चलिए सीधे आपको ले चलते हैं नूह, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही नहीं, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार आ गई है। इवेंट क्या हैपनिंग इन हरियाणा, और वहां कह दिया 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार मिलेंगे, आई नहीं 6000 करोड़ की। कोई भी बात हो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, और कोई समस्या का कोई आवाज उठाए तो उसका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं। इसमें आपको मैं बताऊं इनकी क्या पॉलिसी है। एक डॉक्टर था, नरवाना में था वो डॉक्टर, और एक कुर्सी लेके बैठ गया, डिग्री कोई नहीं थी, दांत के दर्द का लाजमी इलाज, और कुछ उसके पास औजार नहीं थे, कुछ नहीं था। तो एक आदमी आया, मेरी जार में बहुत दर्द है, बोला बैठ जा कुर्सी पे। तो 2-3 शीशी ले रखा था, उसमें मिर्चों का पानी था, अच्छा बैठ जा, उसकी आंख में मिर्चों का पानी डाल दिया। वो बोला मेरी आंख आंख, बोला तेरी जार का दर्द, बोला छोड़ जार का दर्द, मेरी आंख बचा। तो ये तो उधर ध्यान दूसरी तरफ करने का माहिर है। कोई समस्या का समाधान इनके पास नहीं है। आज हरियाणा की जो परिस्थिति है, जो वहां से कन्याकुमारी से जो पदयात्रा शुरू की है, महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, उन्होंने बेरोजगारों की और महंगाई से त्रस्त लोगों की आवाज बन के खड़े हो गए हैं राहुल गांधी। आज पूरा देश इनकी तरफ देख रहा है, और हरियाणा में कितना समर्थन और सहयोग और स्वागत मिला है वो जयराम रमेश जी स्वयं बता देंगे। पूरा सहयोग समर्थन का मैं आज विश्वास दिला सकता हूँ आपको, जो आज देख के जिस प्रकार से जोश लोगों में था, मतलब रात को ही कम से कम 8-10 हजार आदमी रात को ही आगे सो गए यार, और सुबह जिस प्रकार से जोश था लगातार वहां से लेके यहाँ तक, और आगे पूरे हरियाणा में ऐसा रहेगा, वो जोश जो देख कर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो लक्ष्य राहुल जी लेके चले हैं वो पूर्ण होगा। हरियाणा उसमें फिर नंबर वन आगे रहेगा, जैसे पहले प्रति व्यक्ति आए प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर वन था। और हमारे साथियाँ इनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, जो यात्री आए हैं पदयात्री आए हैं राहुल जी के साथ, इतना कुछ छोटा काम नहीं है। मैंने पदयात्राएं की है, मेरे को मालूम है कि इतना लंबी पदयात्रा करना हर इंसान के हाथ की बात नहीं है। तो ये मैं यही कह सकता हूँ जयराम रमेश जी को, जो ये यात्रा आई है ये लाजमी तौर पे हरियाणा में और पूरे देश में रंग लेके आएगी, लेके रहेगी। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूँ, और फिर यही है कि जो आज मेरे को देखने को मिला है दृश्य, वो एक किस्म का ये प्रतीक है कि आने वाली सरकार की बात, इन्होंने की सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात की प्रतीक है कि मौजूदा सरकार को उखाड़ के रहेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस को संबोधित करते हुए यात्रा के बारे में कई खास चीजें बताई। यात्रा के विस्तार को लेकर भी उन्होंने बताया कि ये यात्रा लगातार जारी रहेगी, जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं से आम जनता त्रस्त है, महंगाई बेरोजगारी इन सभी मुद्दों को लेकर राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, जिसमें राहुल गांधी खुद आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि इतनी लंबी पदयात्रा करना हर किसी के बस की बात नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ये यात्रा चलाई जा रही है, और महंगाई से त्रस्त लोगों की आवाज बन रहे हैं राहुल गांधी।